Topic for discussion is now probability rules. There are two basic rules which has to be followed whenever we solve any numerical on it. First is addition rule. That is when we have to find out the cases which deal with the two events and they consider that they both of them, any one of them occur at a one time. What does it mean? वो दो इवेंट रहे हैं बट उनमें से आपका चॉइस क्या है, आपका चॉइस है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि ये अकर हो इवेंट वन या इवेंट टू, उस केस में एडिशन रूल लगता है। जैसे इवेंट नंबर, इफ आई से इट्स इवेंट नंबर ए एंड अनदर इवेंट इज बी, एंड इफ आई आस्क यू कि इफ गेटिंग ए और गेटिंग बी, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, इन दैट केस वी अप्लाई द एडिशन रूल। जैसे हेड या टेल, किंग या क्वीन कार्ड्स के केस में, टॉसिंग द कॉइन में दो आ जाए आपको या छह आ जाए, आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो पास हो जाओ या ऑप्शन दूसरा फेल हो जाओ। तो जो एक्सपेरिमेंट अकर हो रहा है उसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं, एक या एक से अधिक जो आउट, दो या दो से अधिक जो आउटकम्स हैं, उनमें से कोई से भी दो आउटकम के बीच में अगर आपको चांसेस निकालने कि हमें ये दो आउटकम में से कोई मिल जाएगा, एनी वन, देन एडिशन रूल इज अप्लाइड। द फॉर्मूला फॉर द एडिशन रूल इज यू वी ऑलवेज रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। व्हाट डज इट मीन? इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज यूनियन मीन्स एडिशन, यूनियन एडिशन, और इन द वर्ड्स इट इज यूज्ड ओ आर और, हिंदी में या बोलते हैं, किंग मिल जाए या क्वीन। ऐसे डाइस थ्रो करें तो दो आए या चार, तो वी यूज दैट ऑप्शन, दिस और दिस। सो हियर इट इज रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको कैसे समझना है? ए यूनियन बी, इसको तो आप ऐसे बोलोगे कि व्हाट आर द चांसेस दैट गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या और बी, दिस इज टॉक लाइक दिस, ये इसका इंटरफेस, प्रोबेबिलिटी ए आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बी आने के चांसेस, और कोई क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि दोनों के आने के चांसेस, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। कैसा था केस? किंग ऑफ स्पेड वाला एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा, किंग ऑफ स्पेड एक ऐसा चांस है, ऐसी चांसेस है जिसमें दोनों आ सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, दोनों अलग अलग पढ़ा। लेकिन एक एक कार्ड ऐसा है किंग ऑफ स्पेड जो किंग में भी आता है और स्पेड की कैटेगरी में भी आता है, तो बोथ ए एंड बी, उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल। अब इस एडिशन रूल को अप्लाई करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस एडिशन रूल का कैसे रोल प्ले होता है। हमने एक एग्जांपल से अभी बोला किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड, इसी को एग्जांपल को समझते हैं। अब इसमें क्या है, और लगा है, हिंदी में हम बोलेंगे कि राजा या चिड़ी का पत्ता है, स्पेड या लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, मतलब किंग आएगा तो भी आई एम हैप्पी आई विन, या फिर कोई भी एक चिड़ी का पत्ता आ जाएगा तो भी आई विन, तो बीच में या लगा है और, व्हेन और इज देयर, सी और इज देयर, और इज देयर, व्हाट रूल वी यूज, वी रूल, द रूल दैट वी यूज इज एडिशन रूल। एडिशन रूल कब लगता है? जब हमारे पास ऑप्शन में और होता है, और मीन्स इन दिस यूनियन, यूनियन स्टैंड, तो ये फॉर्मूला आएगा, दिस फॉर्मूला। तो क्या है इसमें यूज करेंगे, ए यूनियन बी मीन्स पी किंग यूनियन स्पेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग एंड स्पेड बोथ, सेम फॉर्मूला यूज किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होती है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी किस फॉर्मूले से निकालते हैं भाई, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, हमारा एक्सटेंडेड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चलना चाहिए दिमाग में कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो
किंग कितने होते हैं पूरी 52 कार्ड्स में? चार, तो चार हमारे फेवर में किंग की केस में, और टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स। प्लस यहाँ पर स्पेड चाहिए हमें, तो स्पेड्स चाहिए, जो चीज चाहिए होती है वो हमारे फेवर में के लिए। कितने होते हैं स्पेड्स? स्पेड्स के कार्ड्स कितने होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड में? 13। तो 13 हमारे फेवर में डिवाइड बाय टोटल नंबर 52। माइनस कोई ऐसा कार्ड है, कुछ ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा आउटकम है जो दोनों को रिप्रेजेंट करता हो? यस, किंग ऑफ स्पेड। एक पत्ता ऐसा है, एक कार्ड ऐसा है किंग ऑफ स्पेड, जो इस कैटेगरी में भी आ रहा है, इस कैटेगरी में भी आ रहा है। वो नंबर कितने हैं? एक है, टोटल 52 में से। तो उसके चांसेस भी लिख दिए, इसके चांसेस भी लिख दिए, इसके भी लिख दिए। फॉर्मूला ये यूज किया है, तो क्या निकलेगा आंसर? ये निकलेगा जो क्वेश्चन था। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और स्पेड? द आंसर इज दिस। इसको आप सॉल्व कर दो, यू गेट सी 13 + 4 17 अपॉन 52 माइनस 1 अपॉन 52 गिव्स यू 16 अपॉन 52। दैट इज आंसर। दिस इज द वे वी अप्लाई एडिशन रूल टू द, वी अप्लाई एडिशन रूल टू द न्यूमेरिकल। अनदर एग्जांपल आई कैन से, सेम यू कैन गो फॉर किंग और हार्ट। यू कैन से अनदर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड, लेट अस यूज द सेम कॉन्सेप्ट ऑन वन मोर न्यूमेरिकल। इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड और वी, फाइन। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। नाउ कॉन्सेंट्रेट, द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, या तो कोई भी ब्लैक कार्ड आ जाए, तो ब्लैक कार्ड्स पहले तो दिमाग में आने चाहिए। ब्लैक कार्ड्स कौन से होते हैं? स्पेड सारे ब्लैक होते हैं, क्लब पूरे ब्लैक होते हैं। चार जो हमारे कार्ड्स में होते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, जो नीचे हम कार्ड्स होते हैं, दिस इज क्लब, दिस इज कॉल्ड, जो हमें पान का पान बोलते हैं, हुकुम भी बोलते हैं। देन यू हैव स्पेड, रिमेम्बर, देन यू हैव हार्ट, देन यू हैव डायमंड। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ कलरफुल बॉल्स, स्पेड, कार्ड्स, कॉइन के क्वेश्चंस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है। सो हम फोकस यही करेंगे। क्लब के कितने होते हैं? 13। स्पेड के भी 13, हार्ट के भी 13 कार्ड्स। टोटल मिला के हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, राइट? तो जस्ट जस्ट अ ग्लांस टू, इन केस इफ यू हैव फॉरगॉट ऑल दोस, तो इसको ऐसे बोलते हैं। न्यूमेरिकल क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक और अ क्वीन? तो ब्लैक, सी क्लब भी ब्लैक होते हैं 13, ब्लैक में स्पेड भी 13 ब्लैक होते हैं, तो ये दोनों हमारे लिए कौन है? फेवरेबल है। और टोटल में से दिस इज ब्लैक फेवरेबल, और क्वीन कितनी होती है? चार होती है, तो चार हमारी वो फेवरेबल। तो फॉर्मूला और लगा है यहाँ न्यूमेरिकल में, और लगा है, और जब और लगा होता तो कौन सा रूल लगाते हैं? एडिशन रूल। एडिशन रूल का फॉर्मूला क्या है? ये रहा एडिशन का फॉर्मूला। सिंपल, वी गो टू दिस फॉर्मूला एंड वी सी दैट पी ए यूनियन ब्लैक कार्ड्स यूनियन क्वीन इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड प्लस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। बी मीन्स इन दिस केस क्वीन, सॉरी दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, दिस इज एंड दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन बी। बी मीन्स हियर क्वीन, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक एंड क्वीन। रिमेंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स? सी आई जस्ट टोल्ड यू ब्लैक कार्ड्स कितने? 13, ये 13, ये 26, 26। सो 26 इज इन आर इन माई फेवर आउट ऑफ टोटल 52 ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। क्वीन की कितनी है? कितने क्वीन होते हैं टोटल? चार, तो चार हमारे फेवरेबल, चार हमारे फेवरेबल। लुक एट हियर इन दिस फॉर्मूला, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल 52। अब यहां मेन कोई कार्ड ऐसे हैं जो ब्लैक भी हैं और क्वीन भी हैं? एनी कार्ड्स वो आर ब्लैक भी हैं, ब्लैक मतलब ये क्लब भी है, स्पेड भी है और क्वीन भी है, ऐसे कार्ड्स हैं दो।
देयर आर टू, क्वीन ऑफ क्लब एंड क्वीन ऑफ स्पेड, दो हैं, तो देयर आर टू कार्ड्स जो कि इन दोनों कैटेगरी में लाया करते हैं, ब्लैक में भी और क्वीन में, आउट ऑफ टोटल 52. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक और अ क्वीन. नाउ यू कैन कैलकुलेट सिंपल, 26 प्लस 4 गिव्स यू 30 डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 अपॉन 52, दिस गिव्स यू 28 अपॉन 52, दैट इज 7 अपॉन 13 आंसर. लुक, 4 अपॉन 13 था ये, 7 अपॉन 13 प्रोबेबिलिटी. सो दिस फॉर्मूला which is the addition rule is applied in the question like this. Now one important thing is when we are considering these types of questions, we are जहाँ पे हमें ये जो ये term है ना, ये वाली term, इसके लिए answer मिल रहा है, कोई हमें ये case मिल रहा है, तो we need to refer to that particular notes जो हमने बात करी थी, that is mutually exclusive and not mutually exclusive cases. तो ये कौन से केसेस हैं? दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्यों नहीं है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन एग्जिस्ट करता है. तो जिसके बीच में कुछ कॉमन एग्जिस्ट करता है, मतलब ये दो इवेंट है, इन दोनों के बीच में ये कॉमन एग्जिस्ट करता है, ये दो इवेंट है इसमें कॉमन एग्जिस्ट करते हैं, दो पत्ते कॉमन है, ये इवेंट है किंग और स्पेड, दो इवेंट है इसमें एक कार्ड कॉमन है. तो जो दो इवेंट्स के बीच में एक कॉमन एग्जिस्ट करता है, दो इवेंट्स में जो एक कॉमन एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये इस टर्म में ये वाली टर्म आती है, इसमें कोई वैल्यू आती है. अब इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो उस केस में क्या होता है, ये जो दो एग्जिस्ट दो इवेंट्स हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं होता. ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नहीं करेगा, और ये कर रहा है तो ये कर रहा है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब ये टर्म जीरो होती है. तो सेम फॉर्मूला विद ओनली डिफरेंस कि ये वाली टर्म की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वी नो कि दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वी नीड नॉट टू राइट दिस टर्म. तो फॉर्मूला में कितना बचता है सिर्फ, इन द केस यू गेट द फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी, ये दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, this is for not mutually exclusive. Or mutually exclusive, not exclusive mein agar kuch issue hai, you can refer the last lecture where we have explained you ki exclusive or non-exclusive mein kya matlab hai. Ab bhi relate karna hai us hamari knowledge ko is formula mein. Agar mutually exclusive hai aapke events, to this formula where this terms is zero. Agar not mutually exclusive hai, to ye formula jahan pe ye term exist karegi. But this is addition rule. Where addition rule is applied? When the question is of this type, event A या event B. आप numerical solve कर रहे हैं, दो students numerical solve कर रहे हैं, तो student number one कर दे या number two कर दे, मुझे answer चाहिए. तो question क्या हो गया? Numerical should be solved by one or student two. One or student two. अभी विल टेक दोस एग्जांपल्स, बट राइट नाउ कंसीडर द एडिशन रूल इज अप्लाइड वेयर, जहां पे दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट होने के चांसेस निकालने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन रूल. सो आई टॉक्ड अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस. सो बोथ द इन बोथ द केस द फॉर्मूला विल डिफर. इन दिस द एडिशन रूल इन द केस ऑफ म्यूचुअली exclusive, mutually exclusive, I can take an example like a king and queen. Is it possible that if I draw a card, I can get a card which is in both the category, it is king also, it's a queen also? Not possible. So they are mutually exclusive king. So what is the probability of getting a king or queen? Probability of king plus probability of getting queen. Why? Because this term, look, this term where we say king intersection queen, this term which stands that both king and queen together,
दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, इसलिए फॉर्मूला इज ओनली दिस. देयरफॉर द फॉर्मूला इन एडिशन रूल, इट ऑलवेज ए और बी, probability of A and probability of B. This is the formula in the case of mutually exclusive. And in the case of not mutually exclusive, we already studied that there exists this term. Now, so this was about addition rule. Let us talk about multiplicative rule now. When the multiplication rule is applied, when the cases they say is that I want to have head in the first tossing and I also want one more head in the second toss, means a coin is tossed two times, ek hi coin ko aap do bar toss karte hain, to pehle wale toss mein head aaye aur dusre wale toss mein bhi aapka head aaye, aisa this is my requirement. So my question is, what is the probability that I get head in first draw aur saath mein सेकेंड में भी हेड आए, तो हेड और हेड आने की पॉसिबिलिटी. व्हेन यू टॉस अ कॉइन टू टाइम्स, तो अगर एक ही कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी, पहले तो ये चेक करें. देखिए, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया टेल आया, पहली बार हेड आया दूसरी बार भी हेड आया, एक दो केसेस हो गए. इसके अलावा पहली बार टॉस किया तभी टेल आ गया, दूसरी बार हेड आया, पहली बार टेल आया दूसरी बार टेल आया, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? किस केस में जब कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं, जब कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं तो इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी दिखती है क्या? नो. तो टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम है ऑफ एक्सपेरिमेंट. और एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग कॉइन टू टाइम्स. तो आउटकम्स ये पॉसिबल है. और क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. तो देखिए आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चार सेट्स हैं, चार आउटकम्स हैं. इन चार में से हमारे लिए जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ये सेट एक है, तो एक हमारे लिए फेवरेबल है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 4. तो ये केस, दिस केस वेयर द रिक्वायरमेंट, वेयर द रिक्वायरमेंट इज एंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन फर्स्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन अनादर टॉस, वेयर वी वॉन्ट एंड, हमें दोनों चाहिए, पहले में भी हेड चाहिए दूसरे में भी हेड चाहिए, तो एंड लगेगा, तो रूल आएगा मल्टीप्लिकेटिव रूल. अब मल्टीप्लिकेटिव रूल पे फोकस करते हैं. हम मल्टीप्लिकेटिव रूल लिखते हैं, लेट्स सी मल्टीप्लिकेटिव रूल, व्हाट इज इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. I told you where we'll apply multiplicative, जहां हमें दोनों चाहिए, यहाँ पर हमें दोनों में से कोई एक चाहिए तो addition, जब हमें दोनों चाहिए तो multiplicative. तो multiplicative rule क्या हो जाएगा, P and B. It will give P and B and it is represented by A intersection B. So what is it? Probability of A multiplied by probability of B. So it's probability of A multiplied by probability of this is the formula. This is the formula. But this is the formula when we considered that A and B both हमें चाहिए और both क्या हैं, independent हैं. इस केस में रूल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला अप्लाई करना पड़ेगा. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि पहली बार जब टॉस किया तो हेड आया और दूसरी बार जब टॉस करेंगे तो उसका आउटपुट पहले वाले के आउटपुट पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता. तो दोनों जो टॉसिंग है, दोनों जो एक्सपेरिमेंट है, जो दोनों टू टाइम्स की जो टॉसिंग है, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है. तो वो कैसे केसेस है? इनडिपेंडेंट केसेस है.
दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और बोला जाता है कि दोनों में हेड एंड हेड चाहिए या हेड एंड टेल चाहिए, एंड लगा होता है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव रूल को अप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेटिव रूल इज दिस. नाउ लेट अस स्टार्ट. विल गेट द आंसर. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड हेड? देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में फर्क है. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस, क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए मीन्स पहला वाला पार्ट हेड, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी, बी मीन्स अगेन हेड. और हमें पता है प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड क्या होती है, हमने पढ़ चुके हैं. आउटकम क्या हो सकते हैं? हेड और टेल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होता है? 1/2 होती है हमेशा, टेल की 1/2. हेड की 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/4 आंसर. हमने यहाँ पे बताया था ये आउटकम से, और ये देखिए 1/4. तो कीप दिस असाइड, पुट दिस कॉन्सेप्ट रादर देन स्ट्रेट वे यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव रूल. आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड हेड. अगर ये चीज अगर आपसे पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड टेल, गेटिंग टेल इन फर्स्ट टॉस एंड टेल इन सेकेंड टॉस, तो एंड लिखा होता तो हम मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाते एंड इन दिस वे वी कुड हैव सॉल्व्ड इट. बट देन द केस इज बोथ हैज टू बी इंडिपेंडेंट. जब दो कॉइन टॉस करते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं. पैक ऑफ कार्ड्स में से अगर दो कार्ड निकाल रहे हो रिप्लेस कर देते हैं, एक कार्ड निकालते हैं रिप्लेस कर देते हैं फिर दूसरा कार्ड निकालते हैं, तो भी इंडिपेंडेंट कहलाता है. कैसे? मान लीजिए दो केसेस है. एक केस है आपका जिसमें आपको कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड है उसमें दो पत्ते निकालने हैं, दो कार्ड्स निकालने हैं, और पॉसिबिलिटी निकालनी है कि दो कार्ड जो आपने ड्रॉ करे, एक है आपका क्वीन एक है आपका किंग, इंडिपेंडेंट इवेंट है. सेकेंड केस, एक के बाद एक निकाल रहे हैं कार्ड और रिप्लेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट केस है. बट अगर आपने कार्ड में से एक कार्ड निकाला और उसको रिप्लेस नहीं किया और दूसरी बार ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो देन इट इज डिपेंडेंट केस. उस केस में मल्टीप्लिकेटिव जो फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेटिव रूल है, वो चेंज हो जाए. इट विल बी अ डिफरेंट इन द केस जहां पे ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट वी से दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो देयर विल बी अ small change. So what will be the in the case? This is when events are independent. तो अब dependent के केस में क्या होगा? Dependent के केस में सिर्फ जो second part है, ये second term है, ये change हो जाता है. ये होती है probability of B when A has already occurred, that has to be taken care. For example, let us apply one example in this dependent case. So dependent ke case mein hum lete hain probability of getting ek aane ka probability lete hain and getting a probability of getting, let's see, when it is not replaced, हमने replace नहीं किया, तो ये formula लिखाएंगे क्योंकि ये end लिखा है, end लिखा है तो multiplicative rule आएंगे. Step one, step two, जब हमने ये rule लगाया है तो ये formula है PA, probability of A multiply by probability of B, probability of queen. तो probability of एक कितने के होते हैं? चार आउट ऑफ 52 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, बिकॉज इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन व्हेन दिस इज ऑलरेडी अकर्ड. तो हमने एक इक्का निकालकर एक कार्ड बाहर कर दी और उसको रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब 52 की जगह 51 कार्ड्स रह गए, और क्योंकि इक्का बाहर निकला था तो क्वीन तो अभी भी चार की चार है, चार फेवरेबल डिवाइडेड बाय 51. नाउ लुक दिस फॉर्मूला एंड लुक दिस,
यहां पर कोई चेंज नहीं था, ये क्या थे, इंडिपेंडेंट इवेंट थे, ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट। तो इस केस में 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/51 विल गिव यू द आंसर, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करती है इस पे, नॉट रिप्लेस्ड है, नॉट रिप्लेस्ड है, इसलिए ये वैल्यू चेंज हो गई 4/51। अगर ये रिप्लेस हो जाता है तो ये होता है 4/52, ये रिप्लेस कर देते हैं कार्ड को तो ये होता है 4/52, तब आंसर हमारा होगा 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/52। रिप्लेस नहीं करते तो डिपेंडेंट केस हो जाता है, देन 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 4/51। तो हमें बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा कि वन कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड तो केस अलग, केस इंडिपेंडेंट। व्हेन वन कार्ड इज ड्रॉन नॉट रिप्लेस्ड तो केस डिपेंडेंट। और एंड पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट एंड दिस, तो मल्टीप्लिकेटिव रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और अनादर तो एडिटिव रूल। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द न्यूमेरिकल, वेदर एडिटिव रूल बी अप्लाइड, वेदर मल्टीप्लिकेटिव रूल विल बी अप्लाइड, वेदर दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वेदर दे आर डिपेंडेंट। सो वी मेकिंग दीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैन हेल्प अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द प्रोबेबिलिटी इजिली, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी बिकम्स रियली टफ एंड स्टूडेंट्स गेट स्टक। क्या हमें प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ही नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो एवरी न्यूमेरिकल विच यू pick from the this chapter you'll be able to solve it. So this is the case of multiplicative.